फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने हाल ही में बंबई में काबा गाने के लिए काफी सुर्खियां बटोरी है। एक बार फिर वो गाना फिर से सुर्खियों में आ गया है। अनुभव सिन्हा ने बीजेपी पर बिहार चुनाव प्रचार के लिए उनके गाने बंबई में काबा को कॉपी करने का आरोप लगाया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीते दिनों राज्य की सड़कों पर कुछ पोस्टर लगाए गए जिन पर नीतीश सरकार पर हमला करते हुए लिखा गया बिहार में काबा, जिसके जवाब में बिहार में बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से बिहार में ईबा गाने के साथ नीतीश और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। इसके बाद अनुभव सिन्हा ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर गाने को कॉपी करने का आरोप लगाया है। अनुभव का कहना है कि जिस गाने बंबई में काबा को मैंने 6 हफ्ते पहले रिलीज किया, जिसका मैं मालिक हूं, उसका इस्तेमाल बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के लिए कैसे कर सकती है। बता दें आपको फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने हाल ही में बंबई में काबा गाने के लिए काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन एक बार फिर इस गाने को लेकर वो सुर्खियों में आ गए हैं। अनुभव सिन्हा ने बीजेपी पर बिहार चुनाव प्रचार के लिए उनके गाने बंबई में काबा को कॉपी करने का आरोप लगाया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीते दिनों राज्य की सड़कों पर कुछ पोस्टर लगाए गए थे जिन पर नीतीश सरकार पर हमला करते हुए लिखा गया बिहार में काबा। अवनी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। अवनी, जिस तरीके से अनुभव सिन्हा ने गाना रिलीज किया था, काफी चर्चित रहा वो गाना, और अब उसके बाद वो गाना वो कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, और वो भी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में, तो एक बार पूरी जानकारी दीजिए इसकी। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से अनुभव सिन्हा जो मशहूर फिल्म निर्देशक है जी, और उन्होंने एक गाना बनाया था कि मुंबई में काबा जी, इस गाने में मनोज वाजपेयी ने एक तरह से एक्टिंग किया था जी, और अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था जी। और ये चुनाव से पहले इस तरह के गाने कोरोना महामारी के बाद अनुभव सिन्हा ने गाने को रिलीज किया था और YouTube पर काफी फेमस हुआ था गाना, काफी लोगों ने इसको लाइक किया था। अनुभव सिन्हा ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने भी एक टीजर सॉन्ग लॉन्च किया है कि बिहार में ईबा, अर्थात बिहार में जो 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 है पर्यटन को लेकर जो जो काम किए गए हैं, जो बिहार सरकार ने काम किए हैं या जो बिहार सरकार की उपलब्धि है, उसको इस गाने के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है जी। और बीजेपी लगातार अपने कैंपेनिंग में भी इस गाने को बजा रही है कि बिहार में जो जो विकास हुए हैं, जो पिछले 15 सालों में जो काम हुए हैं, उस कामों को दर्शाया भी गया है। तो हमें लगता है कि इसी को लेकर अनुभव सिन्हा ने आपत्ति दर्ज की है, गाने को कॉपी किया गया है, उस गाने के धुन की कॉपी की गई है और उस गाने को चुराया गया है और बीजेपी ने इस गाने को चुरा कर अपना टीजर सॉन्ग लॉन्च किया है। इसको लेकर आरोप लग रहे हैं, कॉपी करने का वो आरोप लगा रहे, लेकिन किसी के गाने को तो कॉपी करने का कोई अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे में जब आरोप लग चुका है तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इसको लेकर? बीजेपी अभी इस मामले से पल्ला झाड़ रही है जी। लेकिन मामला काफी पेचीदा है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो सॉन्ग रिलीज किया है उसमें जो धुन है वो अनुभव सिन्हा के जो गाने हैं मुंबई में काबा, उसका कहीं ना कहीं कॉपी है। तो अब ये मामला जो है ये न्यायालय में भी जा सकता है। अनुभव सिन्हा ने आपत्ति जरूर दर्ज की है और अनुभव सिन्हा, आपको याद होगा कि अनुभव सिन्हा जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और अपनी बातें भी कहते हैं। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से विरोध एक बार फिर अनुभव सिन्हा ने दर्ज किया है, तो हमें लगता है कि कॉपीराइट का मामला ये बनता है, गाने की कॉपी करना, ये कॉपीराइट के तहत जो है वो कार्रवाई होती है, मामला न्यायालय में जा सकता है। लेकिन ये पूरा मामला राजनीतिक टूल देता दिख रहा है। जिस तरह से बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले जिस तरह से ये बयानबाजी हुई है, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो बीजेपी भी की भी सफाई इस पर जरूर आएगी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस मामले से पल्ला झाड़ा है, कुछ भी कहने से बचा है, क्योंकि बीजेपी ने जो ये गाने को रिलीज करने का जो जिम्मा दिया था वो आईटी सेल को दिया था। आईटी सेल ने इस गाने को किसके द्वारा गवाया है, कहाँ से ये धुन बनी है, ये तमाम मामले जो है वो बीजेपी की आईटी सेल देख रही है। तो हमें लगता है कि सब कुछ जो है अब स्पष्ट हो पाएगा। अगर अनुभव सिन्हा अगर मामले को न्यायालय में ले जाएंगे तो बीजेपी भी जरूर इस पर अपना पक्ष रखेगी। आरोप लगने के बाद अभी भी बिहार में जोरों शोरों से बिहार में काबा, बिहार में ईबा गाने को बजाया जा रहा है, या अभी थोड़ा ये गाना नहीं बज रहा है वहाँ पे? गाना बज रहा है और पूरा बीजेपी भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम चला रही है, कैंपेनिंग कर रही है, वहाँ वहाँ इस गाने को दिखा भी रही है और लोगों को हर देखिए बीजेपी का जो आईटी सेल है वो काफी सक्रिय है और आईटी सेल के जो लोग हैं
वो लगातार गाने को फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों को बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि मामला पेचीदा है और जब मामला न्यायालय में जाएगा तो बीजेपी अपना स्पष्ट कहेगी। जी धन्यवाद अवनीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।